अंतर में घर के लिए क्या क्या है, कच्ची दीवार या कच्ची छत। ठीक है, कच्ची दीवार पहले किस तरह से होता था, हम तो भाई बहुत छोटे रहे तो देख ले, मोट मोट माटी दीवार रहते हैं, अब उस तरह का नहीं मिल रहा है, लेकिन अब ईंटे से गाड़ी की जुड़ाई को और उसको कच्ची दीवार माना जा रहा है। कच्चा छत पहले खपड़ा रहता रहा, छप्पर रहता रहा, लेकिन अब वो नहीं मिलता, लेकिन टीन सेट मिल जाता है। ठीक है, और जो मैला ढोने वाले हैं, भीख मांगने वाले हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो आवास के लिए पात्र हैं। ठीक है, और जो अपात्र, यही तीन चार चीज़ें जो पात्र, अपात्रता के, पात्रता के तीन चार पॉइंट है, लेकिन अपात्रता जो को घर नहीं मिलना चाहिए उसको 10-12-13 पॉइंट है, जिसमें से पक्की दीवार या पक्की छत जिसका भी रहेगा उसको घर नहीं मिलेगा। पक्की दीवार में लिख दिया गया पक्की दीवार, लेकिन पक्की दीवार कितना रहेगी किसी को कुछ नहीं बताएगा, कितना रहेगा, 1 फुट रहे कि 2 फुट रहे कि 5 फुट रहे कि 7 फुट रहे कि 8 फुट रहे, कितना रहे मानक में ये कुछ नहीं लिखा गया है। तो हम लोग मान के चलते कुछ भी रहेगा तो पक्की दीवार माना जाएगा। ठीक है, लेकिन 1 फुट रहता है तो वो घर नहीं कहलाता, 6-7 फीट रहता है, 4 फीट रहता है तो ये उस घर में रहने लायक रहते हैं, तो वो पक्की दीवार। और पक्की छत का मतलब ये है कि पहले का मकान बना है, ईंटे गारे की जुड़ाई है दीवार की और छत लेकिन पक्का लगा है। ठीक है, लेकिन आज के समय में वो जर्जर हो गया, चूता है, लेकिन अभी भी वो पक्का ही मकान कहलाएगा, वो भी आवाज़ के लिए पात्र बनेगा। आपको जो कहता है कि नहीं हम आवाज़ दिलवा देंगे, उनसे कहिए भैया आप हमको ले के चलिए, जिससे आवाज़ दिलवाएंगे उनसे बात कराइए, किसी के बहकावे में नहीं आना है आपको, कोई भी हम ही कह रहे हैं कि हम दिलवा देंगे, तो बाकावे जो नियम है, नियम कानून अभी कुछ दिन बाद यही पेंट पेन में भी लिखवा भी दूंगा, ये पुराना गाइडलाइन है, अभी लिखा हुआ कट जाएगा, और पेंटर हर गांव में लिख रहा है, वो आपके मिनट लिखा जाएगा, कुछ देख भी लीजिएगा आप लोग। और अपात्रता में क्या है, 3 पहिया 4 पहिया। ठीक है, फिर 3 पहिया 4 पहिया जो कृषि यंत्र होते हैं जिसके घर पर रहे वो अपात्र है, 2.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जिसके जो सिंचता बोलता है उसके पास है तो वो अपात्र है, 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन असिंचित मतलब वैसे ही पड़ी हुई है नहीं कुछ काम के है जिसके पास है वो अपात्र है, 15,000 से अधिक अगर वो कमा रहा है, पहले ये था कि 10,000 से अधिक कमाएगा तो वो अपात्र हो गया, लेकिन अब 15,000 तक छूट दे दिया गया, एक और ही बढ़ा दिया गया कि 15,000 के अंदर आप कमा रहे हैं तो आप पात्र हैं महीना, और अगर उससे ऊपर कमाएंगे तो फिर अपात्र हो जाएंगे, 2 या 2 से अधिक के कमरे में रह रहे हैं तो अपात्र हो जाएंगे। ठीक है, ये और अगर आपके यहाँ कोई इनकम टैक्स भर रहा है या सरकारी नौकरी वाला है तो वो अपात्र हो जाएगा, यही नियम है, यही है। अब आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे कि कौन क्या कह रहा है कि हम आपको आवाज़ दिलवा देंगे। और दूसरी तीसरी बात ये है कि 1 महीना पहले से पता चल गया लोगों को कि आवाज़ शुरू हो गया है, सबसे ज़्यादा दलाल लोग एक्टिव हो गए हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम आपको आवाज़ दिलवा देंगे, लेकिन किसी पे भरोसा करने की जरूरत है, पता चला कि 1,20,000 का आवास है, 50-60,000 आपसे ले लिए, धीरे धीरे करके आप आवास छोड़ लिया, कोई भी बात हो आप डायरेक्ट हमारे पास आइए, ब्लॉक पे आइए, हम नहीं मिल रहे हैं ब्लॉक पे आइए, प्रधान जी नहीं मिल रहे हैं ब्लॉक पे आइए। ठीक है, लेकिन हम भी जो बता रहे हैं उसका सत्यापन आप ब्लॉक पे जाके वहाँ बैठते हो वो भी उनसे भी बात कर लीजिए। ठीक है, जब यहाँ लिखा जाएगा उसको पढ़ लीजिएगा कि क्या उसमें क्या नियम है क्या कानून है, जो लिखा रहेगा वो सही लिखा रहेगा, इसे गलत थोड़ी लिखा रहेगा भाई, वो भी एक कागज़ पे बढ़िया से जो गांव के बीच में 10-20 गांवों के सामने लिखा है, उनके मरने के बाद वो घर उनके बच्चों को नहीं दिया जाएगा, जब वो उनको अपने पास नहीं रख रहे तो वो घर क्यों दिया जाएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उच्च अधिकारी आए थे ग्राम पंचायत अमोह में, यही बात उन्होंने उनके सामने कहा था कि हमारे पास 3 लड़के, 3 हमको रख नहीं रहे, तुम तो वो कहे तुम किसके घर में रहते हो, तो भाई उन्होंने बताया कि छप्पर के है मकान है, तो कहे दिखाओ तो देखे तो हाँ ठीक है वो रूम रहे, तो लेकिन उन्होंने कंडीशन रख के भाई आपके न रहने पे ये आपका आवाज किसको दिया जाएगा, तो कहे कि हमारे बच्चे ले लेंगे, तो कह रहे क्यों बच्चे ले लेंगे जब आपको रख ही नहीं रहे हैं, है? तो आप लिख के दीजिएगा कि वो गाँव के किसी गरीब को दान हो जाएगा या ग्राम पंचायत में दान हो जाएगा या सरकार को वापस ले लेंगे, ये नियम है, इसके अंतर्गत जो आता है आप अपना नाम लिखवा दीजिएगा यहाँ पे, बाकी उसके बाद तो जांच टीम लगेगी, उसके बाद जांच होगा, उसके बाद ये जो पात्र होंगे उनका रजिस्ट्रेशन होगा। और ये मान लीजिए हम सपोज कर रहे हैं कि आपके गांव में 50 लोग पात्र मिल गए, हो सकता है 5 मिले, 50 मिल जाए, 500 मिल सकते हैं,
लेकिन अब मान लीजिए 50 हम मान के चल रहे हैं, तो आज रजिस्ट्रेशन हुआ, एक महीने तक रजिस्ट्रेशन चलेगा, रजिस्ट्रेशन कहीं और नहीं होगा। ये कोई कह दे कि आप जाइए किसी कंप्यूटर की दुकान पर रजिस्ट्रेशन करा दे, तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। हमारे ही द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, घर पे आके रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, किसी कागज देने की जरूरत नहीं है। मैं घर पे आके आपका आधार कार्ड मांगूंगा, आपका बैंक पासबुक मांगूंगा, राशन कार्ड होगा राशन कार्ड मांगूंगा, और वोटर आईडी कार्ड होगा वोटर आईडी कार्ड मांगूंगा, सब कुछ वहीं मांग के वहीं भरूंगा, घर का फोटो खींचूंगा साथ में आपको खड़ा करके, आपके परिवार में जितने लोग हैं सबको खड़ा करके देंगे। वो एक बार फोटो खींचा गया तो रजिस्ट्रेशन हो गया। मान लीजिए 50 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, सरकार क्या कहेगी, एक मई 6 महीना साल भर अभी ये जो मार के बैठ जाएगी। अब कितने दिन बैठती है हमको नहीं पता, लेकिन मिनिमम पिछले साल की तरफ मान के 2018 नवंबर में सर्वे हुआ था, 2 साल बाद सर्वे फिर से हुआ कि 2 साल बाद उसकी जांच की जाए। इस बीच मान लीजिए 50 लोग सर्वे में रजिस्ट्रेशन हुए रहते पात्र हैं, तो जब 2 साल बाद जब जांच होने शुरू होती है तो पता चलता है 10 या 15 लोग धीरे धीरे कुछ 6-7 फीट दीवार बनवा लेंगे, अगोरत बनवा लेना, तो जांच होती है तो फिर वो कट जाएंगे। तो अगर भाई संतोष रहेगा 5 साल तक ये स्कीम है 24 से लेकर 29 तक, आगे ये 70 प्रक्रिया विकास की आगे फिर बढ़ सकता है, लेकिन ये अभी 2024 से 2029 तक के लिए लागू किया गया है। ठीक है, तो संतोष रखिएगा, आवास जिसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा जो पात्र होंगे उनको आवास मिल जाएगा। और जब 2 साल बाद या साल भर बाद कहेगी जांच कर लीजिए, तो जांच करने के साथ कहेगी उसकी प्राथमिकता तय कर लीजिए, उसकी जाति बांट दीजिए, जो सामान्य के लोग हैं उसको सामान्य में कर देंगे, पिछड़ी के अलग कर देंगे, अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम बिरादरी अलग कर देंगे, अनुसूचित अलग कर देंगे। अब सबको अलग अलग करने के बाद उसमें प्राथमिकता तय करेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा गरीब है, उसको 1 नंबर पे 2 नंबर पे 3 नंबर पे ऐसे हर कैटेगरी में रखा जाएगा। उसके बाद सरकार कहेगी हम तरकुलई गांव में 10 आवास दे रहे हैं, आवास कितना देना है वो शासन तय करती है, ये ग्राम ब्लॉक तय नहीं होता है, वो 5 देगी 10 देगी 4 देगी वहीं से तय होता है। तो मान लीजिए 10 आवास देगी, तो सबसे ज़्यादा अगर अनुसूचित आपके यहाँ तो सबसे ज़्यादा पहले अनुसूचित में दिया जाता है, 4 या 5 मान के चलिए जैसा हम देखते हैं, 5 मान लीजिए अनुसूचित में दिया, तो जो 5 ऊपर से रहेंगे पहले उनको आवास मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही 2 टोपे सामान्य में पिछड़ी में अल्पसंख्यक में ऐसे बढ़ जाएंगे अपना, वो जैसा वो टारगेट देंगे, तो जो ऊपर से रहेंगे वो उनका बनता रहेगा मिलता रहेगा। और 3 महीने का समय देती है सरकार बनाने के लिए, कि हम कहते हैं कि 2 महीने में बनवा लीजिए। और जिसको आवास बनाना है तो भाई जो मानक है 25x25 स्क्वायर फीट में यानी 625 स्क्वायर फीट में उसमें बनाने की कोशिश करिए, कहें कि जब उससे ज़्यादा बनाएंगे तो आपको कर्जा लेना पड़ेगा, या फिर और ज़्यादा आप पैसा नहीं रखे हुए हैं तो बनाने के लिए। हम तो कई जगह देखें 2000 स्क्वायर फीट में नहीं डाल देते तनाव, 5 लाख तो नहीं लगा डालते हैं, फिर 5 लाख दीवार खड़ा करने में 5 लाख छत में लगा देंगे, 15 लाख तो घर में लगा दिए, जब 15 लाख आप लगा सकते हैं तो कहें कि आप गरीब हैं। बात हमारे से लॉजिक समझिए हमारी बात, ठीक है, तो जो नियम है उसी के चलिए, बाद में अपना पैसा हो जाएगा तब हमेशा आदमी की हैसियत एक जैसी नहीं रहती है। 6 महीना बाद हो सकता है आपका बच्चा बढ़िया कमाने लगे, बन जाएगा का 1 कोठरी की जगह आप 4 कोठरी बनवा लीजिएगा, लेकिन नियमता 1 कोठरी 1 बरामदा 1 किचन होना चाहिए उसमें, इसीलिए उसी का 1,20,000 रुपये सरकार देती है। बैठक हम डेट पहले डलवाएंगे, पहले के दाम बता दे रहे क्यों डलवाएंगे, क्योंकि